So, hi guys, so guys, finally मैं अपनी Minecraft की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अपने मेन चैनल सोलो आउट टेलीफोर पे जो कि है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसे कि तुम मेरे पीछे देख ही सकते हो लाइक देख रहे हो स्केलेटन्स ज़ॉम्बीज़ ओह माय गॉड। तो मैं अपनी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस सीरीज के बारे में कुछ चीजें बताया था हूँ। इस सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले इसके अंदर कस्टम मॉब्स हैं, या इसके अंदर कस्टम मॉब्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा सबसे पहला मॉब, और वो है हमारा म्यूटेंट क्रीपर। यस, ये क्रीपर भाई साहब इसके अंदर स्पॉन होंगे। यस यस, और अगर तुम्हें लगा ये बहुत क्रेजी है, नहीं, उससे क्रेजी है ये म्यूटेंट एंडरमैन, ये उससे भी क्रेजी है। ये लिटरल ब्लॉक्स उठा सकता है, अगर मैं सर्वाइवल में जाऊंगा नहीं, मेरे को नंगा करके मारेगा। ओके, एंड अगर ये है म्यूटेंट स्केलेटन, यस, ये भाई साहब भी इसके अंदर होने वाले जो बहुत बड़े बड़े एरोज मारते हैं। देन है हमारा म्यूटेंट ज़ॉम्बी, एंड ये चारों मॉब्स पता है कस्टम भयंकर चीजें ड्रॉप करते हैं। साथ ही साथ मैं इस सीरीज के अंदर एडवांसमेंट भी करूंगा, लाइक एडवांसमेंट भाई करना जरूरी होता है। ओके, एडवांसमेंट करूंगा मैं। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल ब्रो। सो या, इन मॉब्स के सामने मैं लड़ूंगा, क्या एक नॉर्मल ह्यूमन एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में सर्वाइव कर पाएगा जहां इस तरीके के प्राणी होंगे? लाइक सीरियसली, इसको देख के भाई कितना डर लग रहा है ब्रो। सो इन लोगों से मेरे को लड़ना है। साथ ही साथ गाइस, इसके अंदर कस्टम वेपन्स हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जाके। सो अगर मैं यहाँ 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 जाऊँ तो ये क्या है, ये तो नेदरराइट की चीज़ें हैं, यहाँ नहीं। सो लावा पानी है तो हमारा कहाँ है, ये देखो कस्टम चीज़ है, ये सारा नेदर में है। और इसके अंदर पता है ओवर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ नॉर्मल बायोम्स नहीं है, इसके अंदर कस्टम मेड बायोम्स हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कस्टम और है, जैसे इसके अंदर टिन, मिथ्रिल, इसके अंदर एडोमेंटियम, इसके अंदर ओनिक्स जैसे एलिमेंट है। ओनिक्स जो है ना, ये लिटरली सबसे रेयर है, एंड ये नेदरराइट के बराबर है। सो या, मुझे ये सब पाना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर कस्टम वेपन्स है जो कि मैं तुम्हें अब शो करता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये है नेदरराइट की लॉन्ग सॉर्ड, ये है नेदरराइट का, ये है नेदरराइट का बैटल हैमर। सो या, मजे आने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आ चुका हूँ फाइनली एक नई सीरीज लेके। ये देखो एल्बर्ट, ओ माय गॉड, ये देखो साइट ब्रो, ये सब कुछ होने वाला है इसके अंदर। तो या चलो गाइस, फाइनली स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है, एंड हार्ड कोर, यस हार्ड कोर, इसका नाम मैं रखूंगा माई लवली लवली जी एफ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। डिफिकल्टी हार्ड, ओके हार्ड कोर पे हार्ड ही होगा, मैं भूल गया। लेट्स गो, हमारा फाइनली वर्ल्ड शुरू हो चुका है, ना हमारा माइनक्राफ्ट सीरीज शुरू हो चुका है फाइनली। सबसे पहला टारगेट है मेरा कि भयंकर मैं वुड कलेक्ट करूं और घर बनाऊं। लाइक सीरियसली मुझे घर की जरूरत है, और ये वर्ल्ड लोड होने में कितना टाइम लग रहा है देख रहे हो, क्योंकि भाई इसके अंदर लिटरली 20 मोड है जो कि बहुत हैवी मोड्स है। एंड फाइनली प्लीज एक अच्छा वर्ल्ड, प्लीज एक अच्छा वर्ल्ड, एंड बूम, कहाँ हूँ मैं? ओके, मैं नॉर्मल ओक बायोम में आया हूँ जो कि एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। सो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले मैं One eternity later. हेलो, अबे ये टूटेगा ना? हाँ टूट तो रहा है, लेकिन कितना धीरे धीरे टूट रहा है। 6 years later. ओए ब्रो, मेरे को एक्चुअली बहुत टाइम लग गया, 2 मिनट से रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी तक टूट ही रहा है, अभी तक टूट। ओके, टूटने वाला है, टूट गया। ओए टूटने वाला है गाइस, टूटने वाला है फाइनली हमारे सब्र का फल मीठा हुआ। टूट जा भाई साहब, क्या अबे 1 मिनट हो गया मुझे, टूट जा। ओ शिट, पेड़ टूट गया। वैसे इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर फिजिक्स मोड है, एंड फिजिक्स मोड के साथ एक बुरी चीज़ है, अगर पेड़ टूटते समय अगर तुम उसके नीचे आ जाओगे तो तुम मर जाओगे। क्या बात कर रहे हो बाबा? या सो तुमने सही सोचा, अभी जस्ट मेरा हार्ड कोर वर्ल्ड का एंड होने वाला था अगर मैं वहाँ पेड़ के नीचे से नहीं हटता। अरे हाय भाई, ये पेड़ तोड़ के कितना रोना आ जाता है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे, एंड बड़ा बूम बाम माइनक्राफ्ट प्रो प्लेयर। मैं लिटरली 5 स्पीड रन वीडियोस देख कर आ रहा हूँ, तब जाके मैंने सब सीखा है, और उसके बाद हम लोग सीधा अंडरग्राउंड जाएंगे। बूम 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 बूम, एंड अब हम लोग यहाँ से स्टोन कलेक्ट करेंगे। इजी ब्रो, इजी सिंपल भाई, आई एम जस्ट अ जीनियस यार, आई एम जस्ट अ जीनियस। सबसे हार्ड चीज़ पता है क्या होने वाली है इस हार्डकोर वर्ल्ड में? वो है भाई हमारे म्यूटेंट भाई साहब से बच के रहना। लेकिन इस मोड के बारे में तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, इस मोड की वन ऑफ द सबसे स्पेशलिटी पता है क्या है?
कि जैसे जैसे मेरे डे बढ़ेंगे ना इस सीरीज के अंदर, वैसे वैसे म्यूटेंट जोम्बिस और पावरफुल होते जाएंगे। यस, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे जोम्बिस और पावरफुल होते जाएंगे, ये चीज़ एक सच है और ये होता रहेगा, ये लगातार होता रहेगा, लगातार जोम्बिस म्यूटेट होंगे और ज़्यादा पावरफुल होंगे, एंड उसके साथ मुझे भी पावरफुल होना पड़ेगा। सो यह मुझे सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैंने ये कर लिया है, अब सबसे पहले हम पिकैक्स बनाएंगे, एंड पिकैक्स बनती है ऐसे, और पिकैक्स बनते ही लेट्स गो स्टोन एज। फिर उसके बाद हम लोग एक एक्स बनाएंगे, क्योंकि एक्स के हमें एक्चुअली दो एक्स बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जॉर्ड बनाएंगे, एंड देन उसके बाद एक और जॉर्ड बनाएंगे। क्यों हिला डाला ना, और आई गेस हम लोग बस निकल लेंगे। ओके, इसको तोड़ते हैं, लेट्स गो। भाई मुझे पता है पेड़ तोड़ने में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैं पेड़ के नीचे आ गया ना तो मैं सीधा मर जाऊंगा। जल्दी जल्दी लेट्स गो, पेड़ टूट गया, इसको भी तोड़ो। देख रहे हो एक्स बनने के बाद। ओके भाई कितना कूल लगता है, फिजिक्स मोड भाई सबसे भाई बना तो बेस्ट चीज है जो मैंने यहाँ डाल के अच्छा किया। और गाइस जितने बड़े तुम पेड़ काटोगे तुम्हें उतना ज्यादा वुड मिलेगा, तो अगर तुम पतले पेड़ को काटोगे तुम्हें थोड़ा सा वुड मिलेगा, मोटे पेड़ को काटोगे तो तुम्हें ज्यादा वुड मिलेगा। फिजिक्स मोड बेबी। ओके हमारे पास आई थिंक काफी वुड हो चुका है, सो हम लोग यहाँ से निकल। सॉरी ब्रो सॉरी, आ जाओ शीप्स, हियर वी गो। अरे मैंने तुम्हें इस, ओह माय गॉड डैमेज मत ले, मैंने तुम्हें इस मॉड पैक के, ओ हमारा पहला ज़ॉम्बी पता है मार रहा है ब्रो, कितने हार्ट्स ब्रो, हमने अपना पहला ज़ॉम्बी मार दिया, फाइनली हमने पहला ज़ॉम्बी अपना मार दिया, लेट्स गो भाई, फर्स्ट ज़ॉम्बी स्लेन। ओ माय गॉड अचीवमेंट मिल गई हमें, पहला ज़ॉम्बी, ओ माय गॉड तू कितनी काली है जीला टॉप लागे लू, ओ जीला टॉप लागे लू भाई, व्हाट द हेल, पक्का भाई जेल जाऊंगा मैं, रेसिज्म ऑन टॉप। इधर आ, लेट्स गो। कितना हो गया वूल, 3 वूल हो गया, मैं अब नाइट स्किप कर सकता हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। मेरी कोशिश रहेगी मैं जितना हो सके उतना नाइट स्किप कर सकूँ, बिकॉज नाइट में भाई आई डोंट थिंक सर्वाइव करना अच्छा होगा, लाइक मजाक सेट के मेरा कोई इरादा नहीं है रात को जगने का भाई, मुझे डर लगा भाई, मैं एक्चुअली ये वुड नहीं काट रहा, देख रहे हो अगर ये गिरा ना तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता, मुझे भागने के लिए जगह चाहिए होगी जब भी वुड गिरेगी। कट, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हो सके उतना दूर से काटूँ। ओके रो, कोई मानेगा कि वुड काटना इतना स्केरी हो सकता है, मैंने भाई ऑलरेडी पता है 3 बार ये हार्डकोर सीरीज की वीडियो, ओ माय गॉड ये कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं, होली शिट कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं ये, आई एम श्योर कि अगर मैंने काटूंगा ना मुझे बहुत वुड मिलेगा, आई एम प्रिटी श्योर अगर मैंने काटूंगा तो मुझे बहुत वुड मिलेगा। एक काट के देखते हैं ठीक है। सो इसको काटते हैं यहाँ से, रुक जो मेरे को डर लग रहा है अगर ये गिरा ना तो पता नहीं कितना डैमेज, मैं मरी जाऊंगा एक्चुअली, डैमेज भी क्या होगा। काटो, इसे काटने में टाइम क्यों लग रहा है भाई इतना। ओ शिट ये रहा भाई, ये ज़ॉम्बीज़ कितने फास्ट है, अबे पिकैक्स से नहीं, आओ व्हाट द हेल, 25, आर यू सीरियस, 25 वुड मिला, ये क्या मशरूम्स, अलग तरीके के मशरूम, आई डोंट थिंक ये खा सकते हैं हम, डैमेज पड़ेगा, यहाँ पे जहरीले खाने भी हैं भाई। ओके मुझे और ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है, द हेल, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़, और एक तो कच्चा खाना खाने पे ना आपका हेल्थ भी नहीं बढ़ता है। ओके सो मैं किसने मारा, ना स्केलेटन नहीं, ओ माय गॉड ये तो दूसरी बार जब मेरा हार्डकोर सीरीज बंद होने वाला था, आर यू सीरियस, ये हार्डकोर वर्ल्ड कितना डेंजरस है, आर यू सीरियस ब्रो, मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना है कितने दिन, आर यू सीरियस, मेरे को लगता है जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा। ओके इसको यहाँ पे प्लेस करो, वुड बनाओ, मेरे को डर लग रहा है कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ओके कॉबल स्टोन है मेरे पास, फर्नेस बनाओ भाई, उस वैसी दरिंदे ने मेरे को पता वुड तक नहीं ले, और मेरे पास खाना ही नहीं है, बहुत बढ़िया, आजा भाई, सॉरी ब्रो बट यू हैव टू डाई, ओ माय गॉड, जा खाना भाई अंदर जा,
खाना जब तक पकेगा तब तक हमें और चाहिए। आज आप पिग्गी, सॉरी पिग्गी मतलब मैं कभी भी मर सकता हूँ, लिटरली सीरियसली मैं कभी भी मर सकता हूँ, इतना डेंजरस है मेरे को पूरे टाइम चौकन्ना रहे। ओ फाइनली मेरा खाना हल तो बड़ा, देख रहे हो कितना डेंजरस है ये एरिया। इधर खमिया ठीक है, लेट्स गो। अभी तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि जब रात होगी तो ये मामला और भी डेंजरस होगा। अगर तुम्हें लग रहा है दिन में ये डेंजरस है या फिर अभी सब कुछ डेंजरस है, ना 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 ना, रात में ये जगह पूरी ब्यूटीफुल लेडीज से भरे हक दिया। यहाँ पे तो मैं मारा जाऊंगा लाइक मजाक से हट के। एक तो पता है दिन में भी यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, ज़ॉम्बीज पता है डे लाइट में जलते नहीं है यहाँ पर, सो मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड फाइनली मुझे कोल मिल गया, वो भी एक सेफ जगह पे, लेट्स गो भाई। फाइनली मैं कुछ टॉर्चेस बना पाऊंगा एंड सा लगा पाऊंगा भाई अपने बेस के आसपास, लेट्स गो। आयरन भी मिल जाता तो अच्छा होता, बिकॉज आयरन की हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक आयरन सीरियसली अभी हमारा मेन पॉइंट है भाई। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी तरह ना ओनिक्स आर्मर पे जल्दी शिफ्ट हो सकूं, बिकॉज ओनिक्स आर्मर ही जो हमें बचा के रखेगा। ओ माय गॉड यार ये हार्डकोर सीरीज है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। ओ बल्ले बल्ले, ओ शिट गाइस रात होने वाली है गाइस, बेड लगाओ सो जाओ, अभी सो जाओ भाई, कोई चांस ही नहीं लूंगा मैं तो भैंस की फटाक देनी से सो रहा, जैसी रात होगी मैं तो सो लूंगा, मैं कट लूंगा, मेरे को नहीं है कोई टेंशन, लड़ना वड़ना नहीं है मेरे को आज। वुड की कोई कमी नहीं है ब्रो, वुड आता रहेगा, आयरन आने दो अभी। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे को एक टोटम ऑफ अनडाइंग भी चाहिए। ओ माय गॉड ऐसे रिस्क मत ले, एक फॉल और मैं गया, हाय हाय। इधर 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 इधर, लेट्स गो एंड बूम। अबे ट्रैवल यार, ओ शिट आई डोंट नो गाइस तुम्हें आवाज आ रही है नहीं, बट मेरे को ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है, बहुत नेस्टी आवाज आ रही है। व्हाट द हेल ब्रो, मुझे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है बहुत सारी। एक चीज तुम्हें गाइस मैं बताना भूल गया, बट मैं तुम्हें अब इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो ज़ॉम्बीज है ना वो तुम्हारी आवाज 10 ब्लॉक दूर से भी सुन सकते हैं, लाइक 10 बोल रहा हूँ 100 ब्लॉक दूर से भी, लाइक अगर तुम माइनिंग कर रहे होगे तो उन्हें पता होगा, अगर तुम नहा रहे होगे उन्हें पता होगा, अगर तुम खाना खा रहे हो उन्हें पता होगा। ज़ॉम्बी सिंपली तुम्हें बहुत मिलो दूर से सुन पाएंगे, इस मोड पैक का ये वन ऑफ द सबसे बैड चीज़ है। ओके निकलते हैं भाई यहाँ से, मुझे बहुत आवाज़ आ रही है। एमरल्ड नहीं, स्केलेटन नहीं। भाई पूरा सील ऑफ कर दिया मैंने। स्केलेटन तो सबसे भैंस की बेकार आदमी है, वो तो सबसे ज़्यादा डैमेज देता है स्केलेटन भाई, उससे तो लड़ूँ ही ना मैं, उससे लड़ने की सोचूंगा भी नहीं। ये केव है भाई, लेट्स गो। ओके केव डेड एंड है, ठीक है बढ़िया बात है, यहाँ कोल बहुत सारा है, जब तक ये कोल बन रहा है तब तक मैं अपना आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। आयरन फर्नेस ये रहा ना, इसके अंदर ये डालो एंड कहाँ गया आयरन, ये रहा आयरन डालते स्मेल्ट होने के लिए, लेट्स गो। ब्रो ये बड़ा टफ होने वाला है। एक तो पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर जैसे मैं अभी अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहा हूँ ना, तो जब तक मैं माइन करूँगा तब तक ज़ॉम्बीज पता है मेरे ऊपर वो हो सकते हैं स्टैक अप, क्योंकि भाई यहाँ तुम आवाज़ सुन रहे हो, आई डोंट नो कि तुम्हें आवाज़ आ रही है नहीं, बट मेरे ऊपर तबाही मच रही। एक तो ज़ॉम्बीज ब्लॉक्स भी तोड़ सकते हैं इसके अंदर, मैं भूल जाता हूँ गाइस, जैसे ही डे 90 डे 100 आएगा ना तो मोस्ट लाइकली ज़ॉम्बीज ब्लॉक तोड़ना शुरू कर देंगे। आए हाय ब्रो ये काफ़ी डेंजरस मोड है, ब्रो ये काफ़ी डेंजरस मोड है। एंड देखो मैंने यहाँ पे शेडर्स लगा लिए हैं, एंड डैम मेरे शेडर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, मैं हाथ में टॉर्च पकड़ लेता हूँ, उसके लिए पहले टॉर्च बनानी पड़ेगी, एंड बूम बूम बूम। सो क्या तुम चाहते हो मैं शेडर्स के साथ खेलूँ, देखो शेडर्स के साथ ये ऐसा लगेगा गेम देखने में, लाइक एकदम बिल्कुल अच्छा वाइड लगेगा, तो तुम लोग मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में कि मैं शेडर्स के साथ खेलूँ या नहीं खेलूँ। एंड ये हमारे पास आ चुकी है, हम लोग सबसे पहले तो बनाएंगे भाई शील्ड, एक शील्ड बहुत, ये क्या है ब्रो वुडन क्लब ये भी डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। बूमरैंग ये तो बनाना बनता है भाई, भले ही मेरा आयरन वेस्ट हो। ये क्या है वुडन एरो मेरे पास, अच्छा आयरन आयरन एरो है ये, ओ माय गॉड मैं अभी नहीं बनाऊंगा भाई आयरन एरो, एरो नहीं बनाना मेरे को, हैंडल वैंडल पता है, शील्ड कहाँ है, शील्ड बनानी है मुझे एक्चुअली अभी, व्हाट द हेल शील्ड शील्ड चाहिए भाई मेरे को अभी भाई, ये सब नहीं बनाना शील्ड, अब इसको हटाओ शील्ड एंड यार लेट्स गो। टॉर्च लगा दो भाई अभी के लिए, मेरा घर है एक स्वीट होम,
एक स्वीट सा प्यारा सा होम। यस यस यस, चमका दो गति, पूरा चमक जाएगा घर। एंड आयरन हमारा रेडी। अब मैं आप बताया क्या बनाना चाहता हूँ। लोग कहेंगे कि भाई तुझे टूल्स बनाना चाहिए, बट मेरे को लगता है मेरे को आर्मर बनाना चाहिए। लाइक मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे आयरन आर्मर ही बनाना चाहिए अभी। हियर वी आर, बाहर भाई, बाहर की दुनिया। ओ माय गॉड ब्रो, शेर ये क्या है, पता है किस देश, ये शेडर्स की वजह से है? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शेडर्स की वजह से, ये क्या है, ये ब्लॉक्स लोड नहीं हुए क्या, सीन क्या है? ओ माय गॉड, इतनी ब्राइटनेस की वजह से भाई, मैंने अभी भी गौर किया कितनी ब्राइटनेस हो रखी है। ओ माय गॉड, एक्चुअली ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही हाई है। ओ माय गॉड, ओके अच्छा, ये पानी था भाई, इतना चमक रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था है क्या। सीरियसली बता रहा हूँ, शेडर्स भाई बहुत शाइनी है, शेडर्स एक्चुअली शेडर्स हम लोग ऑन कर सकते हैं, सिंपली थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा। ओके इधर आओ भाई, काउज इधर आओ, एक्सप्लोर भाई, ये जगह बड़ी अच्छी है यार। मैं एक्चुअली एक विलेज मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर एक विलेज मिलेगा ना तो एक्चुअली अच्छा लगेगा, क्योंकि विलेज में ना मैं चीज़ें कनेक्ट कर सकता हूँ, ईजिली रह सकता हूँ, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ विलेज एक्चुअली एक सेफ प्लेस रहेगा। खाना, आई एम कमिंग, मेरे को खाने की ज़रूरत है, सॉरी शीप्स, बट आज के लिए तुम मेरा खाना हो, आज के लिए तुम मेरा खाना हो, आज के लिए तुम मेरा खाना हो, एंड तुम भी मेरा खाना हो, एंड तुम भी मेरा खाना हो, सॉरी। मुझे अभी तक पता है मेरे को अभी जो चाहिए ना चीज़, ओवर वर्ल्ड के अंदर मैं खोज रहा हूँ एडोमेंटियम, मुझे एडोमेंटियम चाहिए, बिकॉज एडोमेंटियम भी डायमंड जितना पावरफुल होता है। मैं कोशिश करूँगा डायमंड एंड एडोमेंटियम का एक मिक्स आर्मर बनाने की, बट अभी वो सब आर्मर बनाने के लिए मेरे को पहले इंचैंट करना पड़ेगा। मेरा प्लानिंग है कि पहले मैं अपने आयरन आर्मर को इंचैंट करूँगा, देन नीचे जाऊँगा, बट उसके लिए मेरे को डायमंड चाहिए। वो देखो वो टिन है, उसको टिन बोलते हैं, वो टिन है। अरे ये भी रहा, ये रहा, ये रहा, टिन टिन तोड़ दे, टिन टिन मिलेगा इससे, यस टिन और एडवांसमेंट, नॉट सिल्वर। ये देखो टिन और रॉ टिन, ओ माय गॉड, टिन की रेसिपीज अनलॉक हो चुकी हैं। एंड बूम, ये क्या हुआ भाई, ये काम है, ओ माय गॉड। ओ गाइज, अगर तुम मैं से कोई सोच रहा है कि भाई अगर तू इतना नीचे सेफ फील नहीं कर रहा तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता, तो ऊपर जाना भी पता है सेफ नहीं है, सेफ नहीं मतलब मोस्टली सिंपली ऊपर जो लीव्स है ना, अगर तुम्हें लग रहा है मैं उसके ऊपर ईजिली चल सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लीव्स के ऊपर हम लोग ईजिली नहीं चल सकते अब, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स मोड्स है। तो ये देखो, अगर मैं लीव्स के ऊपर चढ़ूंगा तो कितना स्लो स्लो चढ़ूंगा, लेकिन इसके एक पता है बहुत अच्छा फायदा है, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं बाई चांस समझ लो कि मैं बहुत ऊपर चढ़ गया, लाइक समझ लो, एक सेकेंड यहाँ पे पहले चढ़ते हैं, एंड मान लेते हैं कि मैं ऊपर आ गया और मुझे कूदना है और नीचे लीफ है। सो लीफ का ये फायदा है कि ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़, ठीक है, चढ़ना उसके। अब यार ये पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लीफ किस, चढ़ ले, हम पे तो आई नो, चढ़ ले, अब यार चढ़ लेना, अब यार इस पे कैसे चढ़ूं। सिंपली अगर मैं लीफ से कूदता हूं ना तो मेरे को फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा, जैसे कि बूम, देखा लीफ टूट गई बट मैं नहीं मरा। सो सिंपली लीफ ना टूट जाती है, और इसको ना तुम ऐसा वो भी यूज कर सकते हो, जैसे वेब्स नहीं होते लाइक वाइन्स, सो उनकी तरह भी। ओ माय गॉड, समुद्र, एक्चुअली मैं समुद्र के बीच रहूंगा तो ज्यादा सेफ रहूंगा, बट वहाँ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वो जो दो वो दिख रहे हैं ना पिलर्स, वहां पर मैं प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। वो बंदा मेरा सबसे बड़ा एनिमी है, वो एक नंबर का गवार सुअर आदमी है, गजब बेइज्जती है, एक मजाक से हट के। ओके अपना यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल डालते हैं एंड बनाते हैं एक बोट, बोट बोट चाहिए, आई नीड अ बोट, बोट ब्रो, बोट 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 कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना, ये लड़का सीख रहा है, और रात हो गई है तो बेड लगाओ एंड सो जो कते। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या मिलेगा हमें, वो क्या है ब्रो, क्या वो एक शिपरैक है, यस वो एक शिपरैक है आई थिंक। एक तो भाई मैंने नाइट विजन मोड लगा रखा है तो इसलिए पता है मेरे को सब कुछ अंडरग्राउंड आर पार दिख रहा है, उसके लिए सॉरी, नाइट विजन लगाने की जरूरत थी भाई मुझे, इसलिए मैंने नाइट विजन लगाया। एंड हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है ब्रो, व्हाट द हेल इज दैट स्ट्रक्चर, मैं यहीं पे अपना घर बनाऊंगा इस छोटे से आइलैंड पे, मजाक से हट के इसी पे घर बनाऊंगा। वो क्या है ब्रो, वो एक अंडा क्या है वहां पर, वो पक्का कोई म्यूटियोर हो सकता है, मीटियोर मोस्ट लाइकली। ओह शिट, एक भाई साहब मेरा अंदर इंतजार कर रहे हैं ब्रो, शिफ्ट दबाओ, भाई साहब ओह शिट, भाई साहब मारोगे तो नहीं ना भाई साहब,
सब बढ़िया ना हमारे बीच? लग तो रहा है सब बढ़िया। भाई साहब अपनी जॉब भूल गए, आपकी जॉब है मुझे मारना। अब जाके देख रहा है, अब जाके देख रहा है, क्या अजीब है भाई। आदा भाई, आदा भाई, एलवी जादव का फैन है। ओ माय गॉड, चेस्ट खोल भाई। ओह शिट, व्हाट द हेल, ओ ब्रो कहाँ है, कहाँ से मारा इसने? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसके पास है? नहीं, उसके पास नहीं है, तो फिर कौन है? कौन था ये? रहा Let's go, bye bye these nuts. Oh my god bro, मैं फिर से मौत के पास जाके बचा हूँ। So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, इसके लिए इतना ही रखते हैं bro। No 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 no, इसके आगे continue मैं next episode में करूँगा bro। इस episode के लिए इतना ही guys। I'm Sunil Shurdekiran, goodbye यार, मेरे को डर लग रहा है, Hopefully मैं मरूँ ना, hopefully मैं मरूँ ना, ये island safe तो है ना भाई, यहीं पे रहूँगा मैं। Let's go, bye bye guys.